तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। अताउल्लाह तारर कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो, लेकिन हम मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे और दहशतगर्दी को ख़त्म करके इस मुल्क को सरमायाकारी के लिए महफूज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बताया जाए इस मुल्क में गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना है। उन्होंने कहा कि कल ऑपरेशन में इस्तेहकाम की मंजूरी हुई है, ये मामला काबीना में भी आएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई खराब है। उन्होंने कहा कि जब किसी फौजी के सीने पर गोली लगती है तो उस पर यह नहीं लिखा होता कि गुट तालिबान की है या बैट तालिबान की। अताउल्लाह तारर ने कहा कि अफसोस की बात है, ऐवान में तनकीद बराए तनकीद चल रही है। बजट सेशन की कुछ रिवायात हैं जो सालों से चलती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास बजट के हवाले से कोई तजावीज़ हैं तो सामने लाए, हम ज़रूर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है।